गांव की पगडंडी, गांव का खूबसूरत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। चलते चलते मित्रों, मैं जहां इस समय खड़ा हूं, गांव का खूबसूरत रास्ता जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मेरे गृहग्राम का ही यह रास्ता है। और जहां कि मैं इधर भी आप देख लीजिए, पहले एक नज़र से आप देखिए यह रास्ता, यह गांव का रास्ता है। और ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते गाँव में ही दिखते हैं। और खेती बाड़ी का काम भी लगभग समाप्ति की ओर है। और आप जानते भी हैं इस प्रकार से काफ़ी खेत खलिहान लगभग लगभग सफाई साफ हो चुके हैं। एक बोझ किसका पड़ा है पता नहीं, इधर रखा गया है एक बोझ गेहूं का, और लगभग लगभग सब समाप्त हो गया है। एक देखिए जो है भैया भूसा बटोर रहे हैं देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। वास्तव में ये देसी चीज़ें और देसी लोग जो गाँव में ही देखने को मिलेगा, और फिर इसको निकाल के ले जाएंगे, गायों को डालेंगे, भैंसों को डालेंगे, और जो है एक जीव प्रेम भी कहा जाएगा और गऊ सेवक भी कहा जाएगा। इस तरीके से यह निकाल रहे हैं और देखिए काफ़ी मन लगा दिए हैं। और इस तरीके से देखिए, आइए मैं बढ़ के बात भी करता हूँ कुछ भैयों से। एक चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, भैयों का परिचय मैं बता दूँ। हम लोग भैयों भैयों कहते हैं गांव में, दशरथ लाल विश्वकर्मा। और एक बड़ी चीज़ मैं इनकी खासियत बता दूँ, खासियत मैं बताना चाहता था लेकिन आज मैं बता दूँ। उन युवाओं को भी एक संदेश जाएगा कि मैं एक युवा से, एक व्यक्ति से एक दिन पूछा कि भैया क्या करते हो, तो उसने कहा नशा करता हूँ तो चलिए ठीक है, मैंने तो बात समझ गया कि नशा किसी भी चीज़ का होता है। कह रहे हो नशा होता है ना किसी भी चीज़ का, काम का नशा और पढ़ाई का नशा, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी नशा आदमी करता है। हम नहीं कहते सिर्फ दारू गांजा और बीड़ी सिगरेट सुरती इसी का नशा होता है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नशा की बात करूँ तो जैसे मैं भैयाओं की बात कर रहा था, लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? 52 साल। 52 साल की उम्र में मैं एक बड़ी बात बता दूं कि कोई नशा नहीं करते आज तक, न बीड़ी न सिगरेट न गुटखा न तंबाकू न गांजा न दारू, कोई भी नशा नहीं करते ना भाई। कोई भी नशा, एक ऐसे व्यक्ति है जो अभी 52 साल के उम्र तक में भी नशा से वंचित हैं। मैं युवाओं को भैयाओं के द्वारा एक संदेश भी देना चाहूँगा कि आप भी देखिए क्या नशा मुक्त, नशा बगैर भी जीवन यापन हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपके सामने एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो अपने वर्क में लगे हैं, अपने किसानी के काम में लगे हैं, और अपने गऊ पालक और गऊ सेवा के उसमें लगे हैं। और इस प्रकार से इसको भूसा बोलते हैं, भूसा अपना इकट्ठा कर ले रहे हैं, लेकिन कोई नशा नहीं करते। तो इस प्रकार से अच्छा, और जीवन में भैया कुछ क्या एक दिन बताना चाहेंगे कैसे कैसे संभव हुआ है आप? क्योंकि अभी मैं जितनी उम्र हमारी है 32 साल का हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं 99% लोगों को बता दूँ, कुछ युवा बचे हैं अभी 25-30 साल तक तो बचे रहते हैं। आदमी कहबो कर थी हाँ कि संगत असर होती है। हाँ संगत, हाँ एक हम संगत है, नाचे नौटंकू में रहे, हाँ रामला भी काम करा, हाँ 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 कभी ना हुआ कि काम में जबरी के पिया का हाँ हाँ देख अपने से बचे हाँ कितन सही बात, कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि इस प्रकार से जो है रामलीला में भी काम किया आपने और नौटंकी में भी काम किया, तमाम जो है अच्छी अच्छी संगतों में रहे और हर तरीके के लोगों के बीच में रहे, चाहे वो दारू पीने वाला व्यक्ति हो, गांजा पीने वाला व्यक्ति हो, ऐसे लोगों से भी आपका संगत रहा, लेकिन कभी नशा जो है आपने किया। सीन भी बात है, हाँ देखिए एक बड़ी बात निकल कर सामने आती है कि मैं भैयों को बता दूं कि रामलीला में कुंभकरण का काम करते हैं, और कुंभकरण का जैसा दिखाया जाता है मदिरा पान और मांसाहार, इस तरीके से रामलीला के मंचन में भी दिखाया गया है और करते हैं। तो दूर दूर तक जहाँ तक कि आपकी नज़र जाएगी इस प्रकार से
आपको देखने को मिलेगा। उधर किसान बंधु भी लगे हैं, इधर छोटा सा मंदिर आपका सामने यह दिख रहा है। तो मैं बता रहा था कि कुंभकर्ण का रामलीला में काम करते हैं लेकिन और उसमें सेवन भी करते हैं ना रामलीला में, उसमें दिखाया जाता है इस प्रकार से होता है। चलिए मित्रों, आशा है आपको अच्छा भी लगा होगा और इसी के जरिए, इस वीडियो के जरिए लोगों के बीच, युवाओं के बीच मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि क्या नशा मुक्त, नशा के बगैर जीवन यापन नहीं हो सकता क्या? और प्रयास मेरा भी है और अभी तक कहूँ तो मैं भी नशा मुक्त ही हूँ। कभी बाई चांस नहीं कहा कि किसी को उसमें आके थोड़ा सा इधर उधर, बाकी मेरा प्रयास है और अभी तक प्रयास और आगे प्रयास रहेगा भी, क्योंकि बड़ी अच्छी चीज़ें नहीं हैं और नशा कोई अच्छी बात नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है और कई तरीक़ों से अगर कहा जाए तो समाज में एक अच्छा संदेश भी नहीं जाता। लेकिन तमाम जो युवा हैं और पढ़ाई के दौर से गुजर रहे हैं और एक अपनी अच्छी छवि समाज में बनाना चाहते हैं तो अगर नशा ना करें। लेकिन भैया एक बात निकल के सामने आ हुआ था कि नशा बिना कुछ संगति नहीं बन पावत, जैसे कि जैसे नशा करे वालों के संगी ढेर होते हैं और जो नशा नहीं करते उनका संगी कम होते हैं। देखिए हाँ हाँ हाँ, इस प्रकार से आप देखिए कि नशा करने वालों के साथी ज़्यादा होते हैं और नशा न करने वाले के साथी बहुत कम होते हैं। नशा करने में रेस्ट भी मिलता है। अच्छा, रेस्ट भी मिलता है नशा करने में। भाई नशा करते हैं सुरती बनवा खाए लगे तो सही कह रहे हैं, उसी से रेस्ट मिल जाता है। अच्छा भाई, क्या शायर सुनाई दो तब यहीं से फिर आपकी छुट्टी दे दी। कोई रामलीला का एक शायर सुना दीजिए आप। तो चलिए इस प्रकार से चलते चलते आज जो है मुलाकात हो गई और अपने वर्क में लगे हुए, लेकिन एक बड़ा संदेश है और बड़ी बात है कि अभी तक आपने नशा मुक्त आप रहे और मैं तो यह बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मेरे पास शब्द नहीं बन पा रहे हैं कि मैं किन शब्दों से बखान करूं। बहुत ऐसे कम लोग होंगे, मैं धरती की बात करता हूं और देश की बात करता हूं कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो नशा मुक्त होंगे। और तमाम ऐसे आप देखेंगे बाबा और संत जो नशा का संदेश देते रहते हैं, वो भी नशा करते हैं, लेकिन आपने अभी तक। हाँ चाची, बाबा लोग गांजा पिया थे। चलिए जो है देखिए चाची बता रही बाबा लोग हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सही कहते हैं, बाबा लोग का आहार गांजा है ना। सब ना ही पिया था। सब हकीकत में देखे हैं कि मोबाइल टीवी पे देखे हो ही आप? नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, में देखे। अच्छा, हकीकत में देखे हैं। हमारे भाई खुद पिया तो रहे गांजा। अच्छा, दूसर के हुआ जात रहा तो दू देते रहे हैं। हाँ, अपन चिलम नहीं देते रहे। अच्छा, हाँ चिलम रखे रहा तो चिलम दे दिए। अपन चिलम किसी का नहीं देते रहे, सिपाही रहे, सिपाही से बाबा बने। हाँ, इस प्रकार से तो चलिए, लेकिन अब जो करता है तो करता है, कहाँ उसका छूटता है। नहीं, सही बात है, ओकर नहीं छूटता। हाँ, जो दारू पिया था जिंदगी बर्बाद हो जाता है। हाँ, ठठरी भर रह जाते मुझे दारू नहीं छोड़ा। हाँ सही है, एक छोट का बच्चा बहुत दारू पिया था। चलिए, आशा है मित्रों आपको अच्छा लगा होगा गांव की पगडंडी और गांव के खेत खलिहान जो सफाई की ओर है। देखिए सब इधर किसान मधु सब जा रहे हैं अपने घर की ओर और सब अपने काम में लगे हुए हैं और लोग कहेंगे कि मैं ही एक खाली व्यक्ति हूँ, लेकिन ठीक है, यह भी एक काम ही है अगर कहा जाए तो। और आपका प्रेम और आशीर्वाद और अगर बना रहा तो निश्चित ही एक दिन अच्छे मुकाम पर हम भी पहुँचेंगे और धीरे 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 ही कोई काम होता है, लगन से किया जाए, प्रयास किया जाए तो क्यों ना संभव होगा।
तो चलते चलते मित्रों मैंने आपको दृश्य दिखाया, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। मंगल आभार प्रणाम।